सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। इतिहास में हम इतिहास के पहले चैप्टर में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम इटली का एकीकरण, राष्ट्रवाद के विकास का जो माहौल बना हुआ था यूरोप में, उसमें उसने इटली को कितना प्रभावित किया, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो शीर्षक है हमारा इटली का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ इटली। यूरोप में इटली और जर्मनी दो बड़े राष्ट्र थे जो अनेक प्रांतों में स्वतंत्र रूप से विभक्त थे। फ्रांस और इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया के शक्तिशाली हो जाने पर इटली और जर्मनी के शासक अपने राष्ट्र को संगठित एवं शक्तिशाली बनाने के लिए चिंतित होने लगे। उन्हें भय सताने लगा कि कहीं हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वो हमें विभाजित ना कर दें और हमारी स्वतंत्रता का हरण ना कर लें। तो लेकिन उनकी प्रमुख समस्या खुद के प्रांतों में मतभेद का होना। प्रथम हम इटली का एकीकरण समझेंगे। इटली के विभिन्न राज्यों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव बना हुआ था। वह नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। इसके अतिरिक्त रोम पर पोप का प्रभुत्व बना हुआ था तथा उसकी सत्ता समाप्त करना कठिन कार्य था। इटली के शासकों में पारस्परिक ईर्ष्या और वैमनस्य भी प्रमुख बाधा थी। तो हम देखेंगे आगे कि इटली के एकीकरण का क्रम या इटली का एकीकरण कैसे पूरा हुआ। इसके कई चरण थे। हम इटली के एकीकरण के चरणों का अध्ययन करेंगे। इटली का एकीकरण 5 चरणों में हुआ। इटली मुख्य रूप से नेपल, सिसिली, लोम्बार्डी, वेनेसिया, रोम, परामा, मोडेना एवं टस्कनी राज्यों में बटा था। नेपाल और सिसिली में फर्डिनेंड प्रथम, लोम्बार्डी और बेस्निया पर ऑस्ट्रिया, रोम पर पोप, पार्मा, मेडोना और टस्कनी पर हैम्सवर्ग का अधिपत्य था। तो इस प्रकार से इटली कई प्रांतों में, कई टुकड़ों में बटा हुआ था और उस पर अलग अलग राजाओं या शासकों का शासन था। प्रथम चरण का हम अध्ययन करेंगे कि इटली के एकीकरण में प्रथम चरण में क्या हुआ, कौन कौन से राज इटली के प्रथम चरण में शामिल हुए। प्रथम चरण में लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अस्तित्व समाप्त हो गया। लोम्बार्डी जिस पर ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता था, शासन करता था, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अब वह सार्डिनिया पीटमंड के अधिकार में आ गया। सार्डिनिया पीटमंड क्या है, एक उसका राज्य था, प्रांत था, जिसका शासक विक्टर एमैनुअल द्वितीय था, जिसने काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। उसने फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से सार्डिनिया पीटमेंड के साथ लोम्बार्डी भी जुड़ गया इटली में। अब द्वितीय चरण देखते हैं। पार्मा, मेडोना और टस्कनी रियासतों की जनता ने उसी समय अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फलसा जनमत संग्राम में बहुसंख्यक जनता ने अपने राज्य को पीटमंड में मिलाने के पक्ष में मतदान कर दिया, जिससे तीनों रियासतें सीधे पीटमंड के अधिकार में हो गई। और इस प्रकार से ये पार्मा, मेडोना और टस्कनी की जो रियासत थी, जब जनता ने विद्रोह कर दिया तो वहाँ जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में जनता ने बहुत बड़े मत से अपने आप को पीटमंड में शामिल, अर्थात इटली में शामिल करने के पक्ष में मतदान किया और इस प्रकार से पार्मा, मेडोना और टस्कनी इटली में शामिल हो गया। अब तृतीय चरण में देखते हैं। इटली के एकीकरण के तृतीय चरण में सिसिली और नेपल्स पर पीटमंड का अधिकार हो गया। यहाँ भी जनता ने विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप सिसिली, नेपल्स और पोप के राज्य का जन्मत संग्रह कराया गया।
1860 में विक्टर इमोनल द्वितीय को संपूर्ण इटली का सम्राट घोषित कर दिया गया। ट्यूरिन को संपूर्ण इटली की राजधानी घोषित की गई। तो इस प्रकार से सिसिली और नेपल्स भी पीटमेंट के अधिकार में आ गया। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात हुई तृतीय चरण में कि ट्यूरिन को इटली की राजधानी घोषित की गई। चतुर्थ चरण देखते हैं हम। 1861 में काबूर जो वहाँ का प्रधानमंत्री था इटली का, उसकी मृत्यु हो गई तो इटली की बागडोर सम्राट के हाथ में आ गई। अतः वेनेसिया में जनमत संग्रह कराया गया जिसमें वेनेसिया को इटली के साथ मिला लिया गया। वेनेसिया में जनमत संग्रह हुआ। वेनेसिया की जनता ने भी इसी पक्ष में मतदान किया था तो वेनेसिया भी इटली में शामिल हो गया। अब पांचवां चरण, वेनेसिया के विलय के पश्चात केवल रोम ही ऐसा राज्य था जो सार्डिना पीटमंड के अधिकार में नहीं था। 1870 में प्रसा के साथ युद्ध के समय फ्रांसीसी सेना रोम से हट गई। रोम पर फ्रांसीसी सेना का कब्जा था। फ्रांसीसी सेना ने रोम के की रक्षा का उत्तरदायित्व लिया हुआ था लेकिन फ्रांस प्रसा के साथ युद्ध के समय उसने अपनी सेना को प्रसा के मोर्चे पर लगा दिया लड़ने के लिए। इसी मौके का लाभ उठाकर विक्टर इमानुअल द्वितीय ने रोम पर भी अधिकार कर लिया। जनमत संग्रह के बाद रोम भी इटली में मिला लिया गया। इस प्रकार रोम से पोप की सत्ता समाप्त हो गई तथा इटली के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। इस प्रकार से हमने देखा कि 5 चरणों में इटली का एकीकरण हुआ और इटली के जो सारे राज्य थे धीरे धीरे जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिए गए और इटली एक शक्तिशाली और बड़ा राष्ट्र हो गया। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10।